नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से लेकर जनप्रतिनिधियों तक में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आयोग एक तरफ जहां निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में एक बार फिर से चुनाव का माहौल बन गया है। अब गांव के चौक चौराहों पर मुखिया से लेकर वार्ड सदस्यों के हार जीत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में हर पद के प्रत्याशियों के लिए सिंबल का निर्धारण किया गया है। सर्वाधिक 1,14,000 वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसके लिए सिंबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए 5 ही सिंबल निर्धारित किए गए हैं। इसमें वायुयान, अलमारी, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, बकेला सिंबल शामिल है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों के पदों की जिम्मेदारी बढ़ने के बाद से इस पद को लेकर प्रत्याशियों की संख्या में रुचि देखी जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अलग अलग पदों के लिए सिंबल निर्धारित किए गए हैं। 5 सिंबल वार्ड सदस्य पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो पंचायत चुनाव में सर्वाधिक सिंबल मुखिया पद के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित किया गया है। मुखिया पद के लिए कुल 29 सिंबल निर्धारित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर पद के लिए अलग अलग सिंबल का निर्धारण किया गया है। मुखिया पद के चुनाव के लिए मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, कमल और दवात, ईट, पुल, बैंगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, मोमबत्ती, कार, गाजर, जग, टेलीविजन, टोकरी, बल्ला, केतली व कैरम बोर्ड की कुल संख्या 29 सिंबल जो है ये मुखिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर हम ग्राम कचहरी के सरपंच पद की बात करें तो इसमें 19 सिंबल जो है निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल, नल, जीप, टमटम, छाता, टेलीफोन, ट्रक, पानी का जहाज, चरखा व तलवार जैसे सिंबल निर्धारित किए गए हैं। ग्राम पंचायत कचहरी में ही पंचों की बात करें तो पंचों के लिए गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च और ट्रैक्टर के जैसे सिंबल निर्धारित किए गए हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 10 सिंबल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें छत का पंखा, नारियल, कंघा, चारपाई, कप और प्लेट, डोली, फ्रॉक, फ्राइंग पैन, गैस सिलेंडर और बिजली का पंखा शामिल है। आयोग की तरफ से इस साल यह भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन पूरी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आयोग की वेबसाइट SEC पर जाकर भी इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आखिर में कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के बूथों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। कोरोना काल के होने वाले चुनाव बिहार का पहला राज्य है जहां सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, इसके बाद अब पंचायत चुनाव होने वाला है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में पहली बार मतदान EVM के माध्यम से होगा और बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम की गई है। इस बार एक बूथ पर 700 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि बूथों की संख्या पिछले चुनाव से अधिक हो सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान COVID-19 के गाइडलाइन पालन करने की भी बात कही है। बिहार में मुखिया चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।